कुछ लोगों को लगता है कि जो 15 साल 17 साल नौकरी छोड़ के गए उनको ओआरओपी नहीं मिलेगा। मेरे जवान भाइयों बहनों, चाहे वो हवालदार हो, सिपाही हो, नायक हो, अरे आप ही तो देश की रक्षा करते हो, अगर ये ओआरओपी सबसे पहले मिलेगा तो आपको मिलेगा। ये बीआरएस के नाम से आपको भ्रमित करने का जो प्रयास कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ये सरकार जिन लोगों ने युद्ध में, सेना में काम करते करते अपना शरीर गंवाया है, कोई अंग गंवाया है, ऐसे भी सेना के जवान जिनको मजबूरन सेना छोड़नी पड़ती है, शरीर की देश के लिए शरीर का एक एक अंग बलि चढ़ा दिया है, उसको सेना छोड़नी पड़ती है। प्रधानमंत्री बनने से पहले मेरा पहला कार्यक्रम, जब मेरी पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के लिए घोषित किया, तो 13 सितंबर को रेवाड़ी में मैं आया था और पहला मेरा कार्यक्रम था पूर्व सैनिकों का बहुत बड़ा जमावड़ा में मैं आया था और उस समय मैंने वन रैंक वन पेंशन की बात कही थी, याद है? कही थी, याद है? ओआरओपी की बात कही थी, याद है? भाई जो बहनों, ये मामला 42 साल से लटका हुआ था, 42 साल से, 4 दशक इतनी सरकारें आके गई लेकिन इस समस्या का समाधान किसी को हाथ नहीं लगता। लिप सिंपति सब दूर सब सरकारों ने व्यक्त की थी, हर कोई कहता था हां देश के लिए जवान मरते हैं सरकार का दायित्व, हर कोई कहते थे, लेकिन करने के लिए हर किसी को कठिनाई महसूस होती, और आज मुझे भी महसूस हो रही है। यह सरल काम नहीं है मेरे देश के जवानों, आपने देश के लिए अपनी जिंदगी खपाई है, आपका मान सम्मान इससे बड़ा हमारी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये मामला अति कठिन है, उसका प्रभाव पता नहीं कहां कहां पड़ सकता है, आने वाले दिनों में क्या क्या संकट आ सकते हैं, लेकिन मेरे देश के जवानों, हमने वादा किया और हम वादा निभा रहे हैं। आपको मालूम है पहले वाली सरकार के लिए ओआरओपी क्या था? 500 करोड़ रुपए का कार्यक्रम था, 500 करोड़ रुपए का। तो हमें भी लगा अभी 500 है तो चलो 700 हो जाएगा, 800 हो जाएगा, कर लो क्या है, लेकिन जब हम गिनती करने के लिए बैठे तो हर रोज नई चीज आने लगी, हर रोज नई चीज आने लगी। कोशियारी कमेटी, जिसका हमारे जवान बार बार उल्लेख करते हैं, उसको हमने देखा, उसने क्या कहा है? उसने तो 300 करोड़ से भी कम कहा, उसने कहा 300 करोड़ से कम रुपया लग जाएगा तो हो जाएगा। सारी सरकार भ्रमित, बैठे हुए अफसर भ्रमित, सेना के जवानों की बातें भी ऐसी, हर कोई उलझा हुआ था। पिछले कई दिनों से मैं लगातार एक 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 तार को खोलता गया, चीजों को ठीक करता गया और हिसाब लगाता गया। भाइयों बहनों, ये ओआरओपी 500 करोड़ में होने वाला खेल नहीं है, ये ओआरओपी 300 करोड़ रुपए में पूरा होने वाला काम नहीं है। जब हिसाब लगाया तो हिसाब बनता है 8 से 10 हजार करोड़ रुपया का, 8 से 10 हजार करोड़ रुपया। मेरी सरकार बनी 26 मई 2014 को और मेरा दायित्व बनता है 26 मई 2014 से। ये जो प्रचार करने वाले लोग हैं वो देश की जनता को और वास खस के हमारे जवानों को भ्रमित करने का पाप करते रहे। 26 मई को इस सरकार का जन्म हुआ,
उसी दिन से हमने काम चालू किया और कल हमने घोषणा की तो भी सरकार बनने के तुरंत बाद 1 जुलाई गिनने के लिए उचित रहती है तो हमने 1 जुलाई से लागू करने का निर्णय कर दिया। भाई जय हिंद दोस्तों, प्रधानमंत्री का यह वीडियो काफी लोग शेयर कर रहे हैं और कैप्शन में लिख रहे हैं कि यह प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया लेटेस्ट वक्तव्य है। तो बताते चलो दोस्तों कि यहाँ जो वीडियो है यहाँ पुराना वीडियो है। जरूर प्रधानमंत्री जी ने 1 एक 1 पेंशन पर विस्तार से बात कही थी, लेकिन ये जो वीडियो है पुराना वीडियो है। मैं जानता हूँ देश के फौज में 80-90% लोग कौन होते हैं। हमारी फौज में 80-90% वो जवान होते हैं जो छोटे छोटे पद पर होते हैं, कंधे पर बंदूक उठा करके जो दुश्मनों से मुकाबला करते हैं, सबसे पहले जान की बाजी वो लगा देते हैं। लेकिन सेना की आयु कम हो इसलिए उनको 15 साल के बाद नौकरी छोड़नी पड़ती है, 17 साल के बाद छोड़नी पड़ती है, 20 साल के बाद छोड़नी पड़ती है। इसके लिए अलग अलग शब्द प्रयोग सेना वाले करते होंगे। कुछ लोगों को लगता है कि जो 15 साल 17 साल नौकरी छोड़ के गए उनको ओआरओपी नहीं मिलेगा। मेरे जवान भाइयों बहनों, चाहे वो हवालदार हो, सिपाही हो, नायक हो, अरे आप ही तो देश की रक्षा करते हो, अगर ये ओआरओपी सबसे पहले मिलेगा तो आपको मिलेगा। ये बीआरएस के नाम से आपको भ्रमित करने का जो प्रयास कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ये सरकार जिन लोगों ने युद्ध में सेना में काम करते करते अपना शरीर गवाया है, कोई अंग गवाया है, ऐसे भी सेना के जवान जिनको मजबूरन सेना छोड़नी पड़ती है, शरीर की देश के लिए शरीर का एक एक अंग बलि चढ़ा दिया है, उसको सेना छोड़नी पड़ती है, क्या वो ओआरओपी से वंचित हो जाएंगे? सेना को प्यार करने वाला प्रधानमंत्री ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता है। मेरे भाइयों बहनों, ऐसे सबको ओआरओपी मिलेगा। और इसलिए 80-90% ये जो 8,000-10,000 करोड़ का खर्च है ना, उसका सबसे ज्यादा धन ये 15-17 साल की उम्र में जो सेना छोड़ के घर आते हैं उन जवानों में जाने वाला है। और इसलिए ये भ्रम फैलाने की कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है। ये सरकार बहुत स्पष्ट है कि देश के लिए जीने मरने वाले जवानों के लिए ओआरओपी लागू करने का हमने वादा किया है और कल हमने घोषणा कर दी है। कुछ लोग कहते हैं कमीशन बनाया, ये कोई पे कमीशन नहीं बनाया, ये सिर्फ ये जो हमने निर्णय किए हैं, क्योंकि पहले 500 करोड़ वालों की भी समझ में कुछ न कुछ गड़बड़ रही, बाद में कोश्यारी कमेटी ने जो रिपोर्ट किया उसमें भी गड़बड़ रही। हमें लगा कि 10,000 करोड़ रुपया देने के बाद भी हो सकता है कहीं कोई कमी रह गई हो, कहीं कोई समझदारी में अंतर रहा हो, कोई हिस्सा सेना का छूट गया हो। तो ऐसे समय एक व्यवस्था होनी चाहिए ताकि सेना के जवान उनके साथ मिलकर के अगर कोई कमी रह गई हो, कोई छोटा मोटा बदलाव जरूरी हो तो उसके साथ कर सके। ओआरओपी के संबंध में इसलिए ये कमेटी बनाई गई है, ये कोई पे कमीशन नहीं है। और इसलिए इसमें भी जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं वो भ्रमों का भी निरसन होना चाहिए। आज देश की सेना में 10 में से 1 जवान हरियाणा का होता है, 10 जवान है तो उसमें 1 हरियाणा का होगा ही होगा। और इसलिए ये जब 8-10,000 करोड़ का पैकेज आएगा तो बहुत बड़ी मात्रा में धन हरियाणा के निवृत्त जवानों के पास आने वाला है, मतलब कि हरियाणा के अंदर 1,000,000,000 रुपया आने वाले हैं। जब हरियाणा में 1,000,000,000 रुपया आते हैं
तो हरियाणा की इकोनॉमी अचानक ड्राइव करने लग जाती है। हरियाणा की आर्थिक गतिविधि को एक बहुत बड़ी ताकत सेना के निवृत्त जवानों के पास पैसे आने के कारण मिलने वाली है। बहुत बड़ा निर्णय इस सरकार ने किया है, देशभक्ति से प्रेरित होकर के किया है। देश की आर्थिक व्यवस्था में बहुत सारे काम है, कुछ कामों में कटौती करके भी करना पड़ेगा तो करने का फैसला करके किया है। और इसलिए मैं मेरे सेना के जवानों को कहता हूं, ये सरकार आपकी है, ये सरकार आपका हौसला बुलंद देखना चाहती है, ये सरकार आपके सुखों की चिंता करने वाली सरकार है। और आने वाले दिनों में भी जहां जो जरूरत पड़ेगी ये सरकार आपके साथ खड़ी होगी, ये मैं देश के जवानों को विश्वास दिलाना चाहता हूं।